दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल के चाफ कटर दिखाऊंगा। चाहे आपको आटा निकालना हो, चारा निकालना हो, दाना निकालना हो, दलिया निकालना हो, एक ही चाफ कटर से आप ये सारे काम कर सकते हैं। चाहे आपके पास एक पशु है, चाहे 50 पशु है, चाहे 500 पशु है, तो उस हिसाब का आप चाफ कटर यहाँ पे ले सकते हैं। आज हम पहुंचे हैं गुजरात के राजकोट के जसदन में। कंप्लीट जानकारी मिलेगी, क्या खास बात है, मात्र 8 से 9 हजार रुपए में यहाँ पे चाफ कटर स्टार्ट हो जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के यहाँ पे चाफ कटर हैं, बिल्कुल छोटा मॉडल जो कि अभी अभी इन्होंने भाविन चाफ कटर की तरफ से लॉन्च किया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और ये भी एक नया मॉडल है, इसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। और ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है, इसमें वह सारे काम हम कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जाली भी आप देख सकते हैं, एक ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। ये भी एक नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है। और इसके बाद हम देख सकते हैं ये ट्रेडिशनल मॉडल है जो काफी बड़ी मात्रा में बिकता है। ये सभी मॉडल जो आप देख पा रहे हैं मेड इन इंडिया है। तो किसान भाइयों हमारे साथ हैं भाविन जी जो कि इस कंपनी को चलाते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मैं जय भवानी इंडस्ट्रीज से हूँ। हमारी कंपनी गुजरात के राजकोट जिले के जसदन तालुके में है और इधर हमारा पूरा चाफ कटर का अलग अलग टाइप का सभी मैन्युफैक्चरिंग है। जी जी। छोटे किसान से लेके 1.5 HP से लेके ट्रैक्टर मॉडल और 60 HP के 100 HP के ट्रैक्टर मोटर तक सब बनाते हैं। ये जेबी माइक्रो करके मॉडल है और ये मॉडल जो है वो जो 2-4 पशु रखते हैं उसके लिए है। ठीक है, तो इसकी क्या खास बात है सर? इसकी खास बात ये है कि ये अभी तक मार्केट में बड़े मॉडल ही मिलते थे सभी, तो किसान कोई प्रीफर नहीं कर सकता था, तो छोटा किसान है वो, तो 2-4 एनिमल जो रखते है उसके लिए तो कुछ अभी तक मार्केट में था नहीं, इसीलिए हम लोग ये नया लेके आए। 2 से 4 पशुओं वाले के लिए आप ये मॉडल लेके? 2 से 5 तक चल जाता है। 5 पशुओं तक ये सफिशिएंट रहता है, तो इससे हम सभी प्रकार के चारे काट सकते हैं। सभी प्रकार के चारे काट सकते हैं। तो इनमें सर मैंने सुना है कि ब्लेड वगैरह का झंझट भी नहीं आता है? इसमें कुछ ब्लेड को कुछ नहीं होता है। अगर आप ये जो हमारे सारे चाफ कटर है उसका यूज ओनली चारा कटिंग में ही करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जेबी मिनी करके है मॉडल, इससे थोड़ा बड़ा है, इससे थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा है, 10 एनिमल तक चल सकता है जी। और ये जेबी 100 करके मॉडल है, ये दाना भी कर सकता है और ये कुट्टी भी कर सकता है, चारा हो दाना हो सारे काम कर सकता है। इसमें आटा नहीं बना सकते, ओनली एनिमल पर्पस के लिए है, ओनली एनिमल पर्पस। हाँ, एनिमल पर्पस के लिए। ओके, इसके अलावा मैं यहाँ पे काफी तरीके की जाली देख पा रहा हूँ, तो इस जाली का क्या मकसद है? ये जो हमारे किसान है वो अलग अलग जाली लगा के उस जितना महीन बारीक और थोड़ा मोटा जैसा आटा चाहिए वैसा वो बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो सर मैं एक ये नए प्रकार का मॉडल देख पा रहा हूँ, इस मॉडल की क्या खास बात है? ये जेबी शार्प करके मॉडल है हमारा। जी जी। ये 3000 RPM के RPM पे घूमता है मॉडल। 3000 RPM। और ये इसकी खास बात यही है कि जो बाहर से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत महंगे बेच रहे हैं इसको। जी। तो हम लोग ने इसको इधर खुद डेवलप किया और हमारा किसान इसको उतनी ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी जो बाहर से मंगवाते हैं। आप सस्ती कीमत पे अवेलेबल कराते हो, तो आप मेड इन इंडिया को सपोर्ट करते हो? यस यस, पूरा जो भी हमारा पूरा प्रोडक्शन है वो सब इधर का ही है। ठीक है, बाहर से कुछ नहीं लिया। ये जो 2 HP वाला दिखा है उससे थोड़ा बड़ा मॉडल है, इसमें साथ में आटा चक्की अटैच रहती है। जी जी। इसका मतलब ये है कि कोई हमारा जो किसान है वो हमारा किसान मानो के खेत पे रहता है, बरोबर है, तो उसको बाहर आटा बनाने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आटा 100% बन जाता है। 100% आटा मलीम आटा बनता है, मलीम आटा बनता है। ये जो हम घर पे आटा चक्की जो पैक वाली यूज करते हैं ना, वो उसका उसके अंदर जो चैम्बर लगा हुआ होता है सेम चैम्बर है वो। और ये बड़े वाला इस मॉडल JB 200 के बारे में बताएं सर। ये 30 से 50 पशु है उसके लिए है। जी जी, बरोबर। और वो रिवर्स फॉरवर्ड गियरबॉक्स सिस्टम वाला है पूरा। जी जी। तो 50 एनिमल तक करना है तो वो 3 HP पे जाना पड़ेगा फिर। जी जी। तो 3 HP का ही मॉडल है।
और इनसे बड़े भी है हमारे पास, वो हम इधर शो में नहीं रख सकते, वो दूसरी फैक्ट्री पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी फोटो वीडियोस मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। अगर आप ट्रैक्टर के लिए बड़ा बनाना चाहते हैं, आपके 100 एनिमल्स हैं, 200 एनिमल्स हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके चाफ कटर में ऐसी क्या खास बात है कि आपका इतना सुपर हिट है और मार्केट में सबसे पहले नंबर पे? क्वालिटी, एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, जो क्वालिटी हमने मेंटेन करके रखी है वो सब लोग थोड़ा चलने के बाद उसको डाउन कर देते हैं। सभी मॉडल में 5 mm की सीट रहती है, ये वाले जो 2 HP तक के सभी मॉडल है 5 mm की सीट पे बने हुए हैं सभी मॉडल। जी जी, जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में इंपोर्टेड आइटम बेच रहे हैं चाइना से मंगवा के, हमारा कोई भी आइटम इंपोर्टेड नहीं है, सब खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। अभी मार्केट में नए चाप कटर ये इंपोर्टेड बेचते हो, सस्ते दिखा के कस्टमर के पास से पैसा लेते हैं। ठीक है, और आप बताइए कि आप वारंटी कितनी देते हैं? हम लोग 1 साल की कंपनी फोल्ड की वारंटी देते हैं। बाकी ये सब चीज ऐसी है कि अगर इसको ये घास चारे में या एनिमल फीड के लिए ओनली यूज करें ना, तो इसको कुछ होता ही नहीं। लगभग सभी मॉडल्स में हम लोग टायर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आसानी से कस्टमर आगे पीछे और कहीं पे लेके जाना है तो ले जा सकता है। जिसके पास लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस किसान के पास लाइट की दिक्कत है, तो वो डीजल इंजन पे भी ऑपरेट हो सकता है। ये JB 700 हो गया, ये JB 100 हो गया, फिर ये JB 200 हो गया, वो सब में डीजल इंजन हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन बताओगे कितना उत्पादन हो जाता है? इसमें हम लोग 500 से 800 kg चारा काट सकते हैं पर घंटा, और जो आटा है वो आटा 10 kg से लेके 80 kg तक हम लोग निकाल सकते हैं। वो डिपेंड रहता है कि इसमें आप कौन सी जाली यूज कर सकते हो। अगर 1 नंबर से लेके 6 नंबर की जाली तो साथ में आएगी, आप 1 नंबर की जाली यूज करोगे तो 10 किलो के आसपास एप्रोक्स इसमें से आटा निकलेगा, और अगर 6 नंबर की यूज करते हो तो वो दाने के लिए है, तो दाना है वो 70-80 kg तक आराम से निकल जाता है, और ये जो चारा है वो चारा 500 से 800 kg प्रति घंटा निकलता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्राइस क्या रहता है आपकी मशीन का, कहाँ से स्टार्ट? ये JB माइक्रो करके मॉडल है, इसका प्राइस विदाउट मोटर 8000 है, 8000 से लेके 14000, 15000, 16500, और उस जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे मशीन का प्राइस बढ़ता जाएगा। हमारे पास दोनों टाइप के, कोई कस्टमर ऐसे होते जिसके पास पहले से ही कुछ पुरानी वाली मोटर पड़ी रहती है, तो उसका यूज वो लोग इसमें डाल के कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिखाए जा रहे हैं वो नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नीचे हमारी वेबसाइट है उस पे वेबसाइट पे भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप फोन करके बुकिंग करते हैं तो थोड़ा एडवांस का सिस्टम रहता है, बाकी का जो बचा हुआ जो पेमेंट है वो आप COD की तौर पे जमा करवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी किसान यस ऑल ओवर इंडिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिली होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।